We've got 2 minutes to recess. This is the next topic for today. Previous class में हम लोगों ने electrolytic tank कर लिया था, तो एक बार इसको फिर से यहाँ पे हम draw करके रखते हैं, so that हमें पता हो कि electrolysis क्या होता है. Electrolytic cell में हमने क्या किया था? It consists of one beaker, जिसमें oxidation और reduction दोनों इसी beaker में हो रही है. दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द बैटरी एंड द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज टेकन इन द सेल. द इलेक्ट्रोड्स वी हैड ऑलरेडी स्पोकन ऑफ आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट द इलेक्ट्रोड्स मे बी नॉन रिएक्टिव व्हिच डू नॉट अंडर इंटरफेयर इन द केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हो रही है. ठीक है, और जनरली जो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं वो है ग्रेफाइट और प्लैटिनम. ठीक है, सो इलेक्ट्रोड्स जो नॉन रिएक्टिव होते हैं तो उनका एक ही रोल है कि वो हेल्प करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में, सो दैट द रिएक्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए. ठीक है, सेकेंड जो रिएक्टर्स होते हैं दे आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स विच इंटरफेयर इन द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वी यूज इज कॉपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमने बात करी थी कि या तो ये सोर्स है या ये सिंक है. सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे और सिंक का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, और थर्ड हमने एक और बात इसमें की थी विच वॉज ओवर वोल्टेज. सो ओवर वोल्टेज क्या था कि अगर रिएक्शंस स्लो हो जाती है तो एक्सटर्नल वोल्टेज हमें सप्लाई करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, और उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज ओवर वोल्टेज. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट हम लोग करेंगे मोल्टन एनएसीएल की रिएक्शन. We had also spoken about कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करता है तो वो सिर्फ मोल्टन में और एक्वस में करता है. क्यों? क्योंकि सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयन्स नहीं होते टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन. ठीक है, सो मोल्टन NaCl मेल्टेड है, सो इसके पास फ्री आयन्स है. सो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी कि NaCl एसोसिएट होता है इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस एट कैथोड Na पॉजिटिव गेन्स वन इलेक्ट्रॉन टू गिव Na. आपने याद रखना है कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी सेल हो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी. और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो ये Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके सोडियम में कन्वर्ट होता है और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है. एट एनोड Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गिव अस क्लोरीन. अब पता है हमें कि क्लोरीन एस Cl एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसे हम प्राइमरी चेंज बुलाते हैं. दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज. फिर उसके बाद जो ये एलिमेंटल क्लोरीन है
ये एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूलर क्लोरीन बुलाता है और इसको हम सेकेंडरी चेंज बुलाते हैं। ठीक है, सो एनोड पे जनरली दो तरह की रिएक्शंस होती है, प्राइमरी चेंज में एलिमेंटल बनेगा और सेकेंडरी चेंज में मॉलिक्यूलर बनेगा। क्लियर? सो मोल्टन NaCl की बहुत इजी है, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl आ जाता है तो सोडियम विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड और क्लोरीन विल बी डिस्चार्ज एट द एनोड। जब हम एक्वस NaCl की करते हैं NaCl का मतलब क्या हुआ कि हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो तरह के आयंस इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, एक ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा वाटर भी डिसोसिएट होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक, अब अगर हम इक्वेशन देखें तो दो क्या है कैटायंस और दो ही एनायंस है। ठीक है, अब दोनों तो कैथोड और एनोड पे डिस्चार्ज नहीं हो सकते, सो हम बोलते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या EMF सीरीज जो हमारी है वो यहां पे रोल प्ले करती है। ठीक है, सो लेट्स go on to the reaction at the cathode. Cathode पे reduction होती है, so वापस दो cations है Na positive plus one electron Na देगा, उसी तरह से H positive plus one electron H देगा। ठीक है, अब reduction EMF series अगर याद करो तो reduction किसकी होनी चाहिए, रिडक्शन किसकी होनी चाहिए जिसकी हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग ईएमएफ सीरीज में क्या करते हैं, नीचे नेगेटिव है नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं, यही करते हैं ना। सो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ को जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो, तो जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, सो जब हम सोडियम की करते हैं तो सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट। ठीक, और ई नॉट फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0, तो किसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, हाइड्रोजन की। तो कैथोड में ये वाली रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ये प्राइमरी रिएक्शन आ गई, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस H2। सो प्रोडक्ट कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? एनोड में भी हमारे पास दो आयंस हैं, दो एनायंस, एक क्लोरीन है Cl नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस Cl, और एक OH है 4OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 2H2O प्लस O2। राइट, अब यहां पे अगर रिडक्शन वैल्यूज हम देखें दोनों की तो क्लोरीन की जो रिडक्शन वैल्यू आ रही है That is 1.36 volt. ठीक है, whereas water की वैल्यू जो है that is 1.23 volt. ठीक है, अब क्या होगा इसमें एनोड पे, एनोड पे क्या होना चाहिए, Cl की क्यों होगी, एनोड पे अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देखो तो एनोड पे
ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल कौन है, जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इन दोनों में लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल तो इसकी है, फिर भी क्लोरीन क्यों लिबरेट हो रहा है, होना तो ऑक्सीजन चाहिए। हम बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की बेसिस पे अगर देखें तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होना चाहिए, ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए, तो रीजन उतना क्लोरीन ही है यहां पर लिबरेट, ये वाली रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि ऑल्दो वॉटर हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इवन देन क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, व्हाई? द आंसर टू दिस इज द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू टू रीजंस, is due to two reasons. Number one, concentrated solution of NaCl. अगर solution concentrated है तो chlorine के ions ज्यादा होंगे with respect to OH negative के ions. ठीक है, second, over voltage. अब ये वाली जो reaction है ये slow हो जाती है, तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वो जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वो वोल्टेज 1.23 से ज्यादा हो जाती है, अगर वो 1.23 से ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो है वो तभी हो सकती है अगर वोल्टेज 1.23 वोल्ट हो। ठीक है ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल केक बेक करते हैं, तो केक बेक करते हैं तो उसके लिए अवन में एक टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है 250 डिग्री। अगर हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो केक बाहर बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, काला हो जाता है बाहर से, अंदर से कच्चा रह जाता है, पर अगर हम उसको 250 से कम पे करेंगे तो केक क्या हो जाएगा, अंदर से तो पक जाएगा और बाहर से जो उसका क्रस्ट है वो हार्ड हो जाएगा, तो जिस तरह का केक हमको बनाना है वैसा नहीं बनता, तो हमें एक सेट वैल्यू 250 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी सेट करनी पड़ती है, वही हिसाब रिडक्शन पोटेंशियल्स का है। अगर 1.23 वोल्ट पे ऑक्सीजन लिबरेट होना है तो वो 1.23 वोल्ट पे ही लिबरेट होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ओवर वोल्टेज हमको देनी पड़ती है क्योंकि रिएक्शन स्लो हो गई, तो वो वोल्टेज 1.23 वोल्ट से ज्यादा चली जाएगी, और अगर वो ज्यादा चली जाएगी तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, तो क्या लिबरेट होगा, क्लोरीन। सो ये एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे को कि ऑल्दो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का 1.23 वोल्ट है, फिर भी एक्वस एनएसीएल की इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन क्यों लिबरेट होता है। ठीक है ना, हैव यू अंडरस्टूड, पक्का से? ओके, फिर थर्ड जो हमने करना है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ये भी इजी है मोल्टन NaCl की तरह, बहुत ही सिंपल सा है, जैसे हमने उसका करा PbBr2 डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन क्या आ गई, एड कैथोड, Pb2 पॉजिटिव विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अस लेड। ठीक, ओके, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस लेड और एनोड, ब्रोमीन विल
electrons to give us Br2. ठीक है, so इसके प्रोडक्ट्स क्या हुए, कैथोड पे लेड इज लिबरेटेड और एनोड पे ब्रोमीन इज लिबरेटेड. ठीक है, समझ आ गया. ओके, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर प्योर स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज नहीं करता, सो इसलिए हमको उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज डालनी पड़ती है. तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं वाटर का, तो हम उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर इटसेल्फ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी H2SO4 डालेंगे. अब देखो इसमें रिएक्शन दोनों की होगी, दोनों डिसोसिएट होंगे, सो H2O हमें क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, और H2SO4 क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, राइट. अब यहां पे कैथोड पे तो कोई भी लड़ाई नहीं है क्योंकि दोनों के टाइम सेम है, राइट. सो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा कैथोड पे, कैथोड पे H पॉजिटिव इज गोइंग टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन इन द प्राइमरी रिएक्शन, और सेकेंडरी रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है कैथोड पे. अब एनोड पे देयर इज अ फाइट बिटवीन SO4 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, सो दोनों की रिएक्शन अगर हम देखें तो OH की रिएक्शन क्या होगी, सेम जैसे हमने पहले ली थी, 4OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 2H2O प्लस O2, राइट. अब इसमें एक लाइन आप लिख लो कि SO4 नेगेटिव विल नॉट बी रिलीज्ड सिंस देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ OH नेगेटिव आइंस, मोर देन दैट ऑफ OH नेगेटिव आइंस. रिएक्शन जो है वो क्या होती है इसकी, 2SO4 नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स थायो आयन ये दे देता है S2O8 नेगेटिव, राइट. अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E नॉट दैट इज इक्वल टू 1.23. ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 1.23 and 1.96. ठीक है, क्लियर हो गया. देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे तो यहां पे भी दो रिएक्शंस होंगी, कॉपर सल्फेट विल डिसोसिएट इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव. ठीक, उसी तरह से वाटर भी डिसोसिएट होगा H2O पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ रेस बिटवीन द कैटायंस एंड द एनायंस. ठीक है, सो जब कैटायंस हम देखते हैं रिएक्शन कैथोड पे होती है,
Cu2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू गिव Cu, और H पॉजिटिव ठीक है। E नॉट वैल्यू कॉपर की कितनी है 0.34 वोल्ट ठीक है, और E नॉट हाइड्रोजन की कितनी है 0। और हमने बोला कि कैथोड पे जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो रिलीज होता है, तो किसकी है ज्यादा कॉपर की। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन जो है दिस विल नॉट टेक प्लेस एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड ठीक है। फिर एनोड, एनोड की रिएक्शंस सेम होगी एज द रिएक्शंस वी हैव डन ओवर हियर। सो एनोड पे क्या रिलीज होगा ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फेट जो है उसकी रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सो हमारे पास एनोड की रिएक्शन क्या आएगी 4OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2H2 प्लस 4। सो प्रोडक्ट्स क्या हुए कैथोड पे कॉपर और एनोड पे ऑक्सीजन ठीक है। इज इट क्लियर ओके। फिर ये तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी कॉपर सल्फेट की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं यहां पे। पर जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए जिसे हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं, उसके लिए जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो हम कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। सो लेट्स डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स ठीक है। सो अगेन कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में ठीक है। कैथोड, कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है सो Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cu दे देगा, और एनोड पे क्या होगा उल्टी रिएक्शन, क्योंकि यहां पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है। सो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है ठीक है। सो व्हाट आर वी सेइंग कि यहां पे जो कॉपर है जिसको हमने एनोड लिया है ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, समझ में आ गया। अब जब हमने नॉन रिएक्टिव किया और हमने रिएक्टिव किया तो दोनों में क्या फर्क है, समझ आ गया ना। सो ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस और उसके प्रोडक्ट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने दो तरह के सेल कर लिए, एक हमने किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक हमने किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों के बीच में डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत सारे डिफरेंसेस साथ साथ कर लिए हमने, अब जितने भी हमने साथ साथ किए थे उन सबको हम कंपाइल कर लेते हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
chemical energy is converted to electrical energy, और electrolytic cell में electrical energy is converted to chemical energy. ठीक है. Second, जो electrochemical cell होता है उसमें reactions are spontaneous, जबकि electrolytic cell में reactions are non-spontaneous. Number three, electrolytic cell, electrochemical cell में cathode is positive, right? और यहां पे cathode is negative. Although reaction cathode चाहे वो electrochemical cell का है, चाहे वो electrolytic cell का है, in both the cases reduction ही होगी. ठीक है, but science दोनों के जो है वो different है. Okay, next. In electrochemical cell, electrons move from anode to cathode. Electrons move from anode to cathode in the external circuit. पढ़ा था ना हमने? और यहां पे electrons are supplied by the external battery. Electrons are supplied by the external battery and entry is from the cathode. क्योंकि कैथोड में रिडक्शन हो रही है, तो कैथोड ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है फ्रॉम द बैटरी. क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट दोनों का डिफरेंस है कि इसमें दो तरह के डिफरेंट सेल्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड reduction half cell. Oxidation half cell and reduction half cell दोनों अलग compartments हैं और यहाँ पे only one cell is present या one compartment is present in which both oxidation and reduction are going to take place. ठीक है? So, ये हमारे differences हो गए. So, हमने दो तरह के cells कर दिए. अब इन्हीं cells को हम further और थोड़ा सा complicated manner में study करते हैं, specifically galvanic cell. तो जब बहुत सारे electrochemical cells या galvanic cell को हम connect करके कोई भी एक आप बोल सकते हो कि apparatus बनाते हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? Battery. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैटरीज. बैटरीज को हम कमर्शियल सेल्स भी बुलाते हैं और डे टू डे लाइफ में इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है. Because it is used everywhere. Basically, battery को हम portable cell बुलाते हैं. Portable का मतलब क्या हुआ? जिसको हम easily एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके. So battery is एक सबसे important जो battery का use होना चाहिए कि it should be portable. अब पोर्टेबल वो कब हो सकती है? फर्स्ट यूज हमने बोला
कि वही बैटरी कामयाब है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कब हो सकती है वो, जब वो लाइट वेट होगी। अगर हैवी होगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक तो वो लाइट वेट होनी चाहिए और दूसरी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटी, तभी हम सेल्स को इजिली ले जा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, ठीक है। और थर्ड, इसकी जो वोल्टेज होती है बैटरी की, वोल्टेज ऑफ द बैटरी शुड नॉट चेंज मच, मतलब उसकी जो वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक जगह से लेके गए उसकी वोल्टेज कुछ और थी, हम दूसरी जगह तक पहुंचे तो वो यूज करते करते उसकी वोल्टेज कुछ और हो गई, तो फिर बैटरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, राइट। सो एक कोई भी बैटरी होगी इसमें ये तीन चीजें होनी जरूरी है, एक वो पोर्टेबल होना चाहिए, दूसरा लाइट और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और तीसरा उसकी वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए अगर वो यूज होती है, ठीक। बैटरी हमारे पास दो तरह की होती है, वन विच इज नोन एज प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेल। रिमेंबर ये सारे बैटरीज जो हम अभी कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। अगर वन मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ अ सेल इज अ प्राइमरी बैटरी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होगा, रिएक्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और जिसकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो प्राइमरी बैटरी जो है दैट इज अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी, नॉन रिचार्जेबल बैटरी का मतलब हुआ कि एक बारी अगर ये बैटरी कंज्यूम हो गई तो हम उसे वापस रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सेकेंड जो बैटरी है उसको हम सेकेंडरी बैटरी बुलाते हैं। सेकेंडरी बैटरी कौन सी हुई, दैट कैन बी रिचार्ज। इसमें हम रिएक्शंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी बैटरी में हम रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो इनिशियली जब सेकेंडरी बैटरी इन ऑपरेशन आती है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब हम उसकी रिएक्शंस रिवर्स करते हैं तो हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी, सॉरी प्राइमरी बैटरी इज ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल और सेकेंडरी बैटरी इज इलेक्ट्रोकेमिकल जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जब वो खत्म हो गई और हमने रिचार्जिंग के लिए लगाई है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह यूज होती है या बिहेव करती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम, पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के अंदर हमने दो सेल्स डिस्कस करते हैं, वन जो एक सेल आप बहुत कॉमनली यूज करते हो विच इज नोन एज द ड्राई सेल और द लैक्टेंसी सेल। पेंसिल सेल्स वगैरह हम यूज करते हैं, पता है ना पेंसिल सेल्स,
रेडियोज में, थोड़े से पेंसिल सेल्स से, नॉर्मल जो बड़े वाले सेल्स हम यूज करते हैं, रिमोट्स में जो टीवी के रिमोट्स होते हैं. सो ऑल दीज दे कम अंडर द ड्राई सेल. ठीक है, अब ड्राई सेल है क्या चीज? ड्राई सेल जो है उसका एपरेटस कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. सेंटर में एक ग्रेफाइट की रॉड होती है विच इज गोइंग टू बिहेव एज अ कैथोड. ठीक, और उसको सराउंड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द सील. सील होती है ना उसके ऊपर प्लास्टिक की, जिसको तुम निकालते हो, और उसको सराउंड करता है एक चैम्बर. इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है. सो वी विल डू जस्ट नाउ कि क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं हम. पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, और उसके बाद बाहर एक एनोड का सिलेंडर होता है. सो कुछ इस तरह से ड्राई सेल हमारा नजर आता है. ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज जिंक का सिलेंडर, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव एनोड होता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया. इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड. यहां पे एक मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन हम लेते हैं. ये जो मिक्सचर यहां पे है ये एक डीपोलराइजर की तरह यूज होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है. ठीक है, फिर दिस इज ग्रेफाइट रॉड एंड विद अ पॉजिटिव चार्ज. And this is used as a cathode. ठीक है, so this is your apparatus. Now जब हम इसकी reactions करेंगे तो दोनों reactions होगी. One reaction will take place at the anode and the other reaction will take place at the cathode. ठीक है, so anode की reaction देखो. Anode zinc का बना है. तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2 पॉजिटिव बना देता है. ओके, और कैथोड ग्रेफाइट का बना है. तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन रिएक्टिव. और अगर ग्रेफाइट नॉन रिएक्टिव है तो इसका मतलब एनोड कैथोड में क्या होगा? द इलेक्ट्रोलाइट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ठीक है, सो कैथोड की रिएक्शन देखते हैं. इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पे देख रहे हैं इस अमोनियम क्लोराइड. सो इसमें से अमोनियम आयंस प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको हम एज डीपोलराइजर यूज कर रहे हैं, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होनी है. इट इज गोइंग टू गिव अस मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड. मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और अमोनियम. समटाइम्स आप देखते हो कि अगर सेल बहुत टाइम के लिए पड़ा रहे तो उसमें से एक पेक्यूलियर अमोनिएटेड स्मेल आने लग जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस विच इज मेड ओवर हियर. अगर ओवरऑल रिएक्शन सेल की देखें और एनोड को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे. सो रिएक्शन क्या ओवरऑल आएगी? Zn
plus 2NH4 positive plus 2MnO2 to give 2Zn2 positive plus इलेक्ट्रोड
कर रहे हैं और रिएक्शन क्या है. सबसे पहले लेट्स राइट द एनोड. द एनोड इन द मर्करी सेल इज मेड अप ऑफ जिंक एंड मर्करी एमलगम. किसी भी चीज को जब हम मर्करी के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम उसे एमलगम बुलाते हैं. सो एनोड जो है वो जिंक और मर्करी का एमलगम होता है. सेकेंड कैथोड. कैथोड इसमें HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड बना हुआ है. ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड. और इलेक्ट्रोलाइट जो है इट इज अ बेस्ड ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है. अब रिएक्शन करेंगे हम दोनों. रिएक्शन एट द एनोड. एनोड हमारा किस चीज का बना है? एमलगम का, मर्करी और जिंक के एमलगम का. और इलेक्ट्रोलाइट KOH है. सो इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो एनोड के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमें दे देता है जिंक ऑक्साइड. अच्छा, एनोड में रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन. सो टू इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करेगा ये. एंड प्लस वाटर. ठीक है, उसी तरह से कैथोड में कैथोड की क्या रिएक्शन है? कैथोड HGO का बना हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का. ये HGO यहां से वाटर और इलेक्ट्रॉन्स दोनों लेगा. सो प्लस H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस Hg+2OH. राइट, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, मैं उस साइड लिखती हूं. ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये OH नेगेटिव और ये OH नेगेटिव कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कट जाएंगे, और ये वाटर भी कट जाएगा. ठीक है, सो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? ZnHg प्लस HGO टू गिव अस ZnO प्लस Hg. ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है. ठीक है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो तो क्या हमें ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस नजर आ रहे हैं? इट डज नॉट हैव एनी आयंस. जबकि जो लास्ट सेल हमने किया था उसमें आयंस थे. ठीक है, सो बिकॉज इसमें ओवरऑल रिएक्शन में, और अगर आप इन दोनों को भी देखते हो, जो वाटर यहाँ पे बन रहा है वो वाटर ये कंज्यूम कर रहा है. यहाँ पे ये टू ओ एच नेगेटिव दे रहा है और ये टू ओ एच नेगेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है. तो ड्यू टू दिस जो लाइफ होती है इसकी इट इंक्रीजेस. Because there are no ions involved in the overall reaction, therefore it has more life and it gives us a voltage of 1.35 volts, जो कि दूसरे वाले सेल से थोड़ी सी ज्यादा है. Right? So you understood this? आज हम सिर्फ प्राइमरी सेल से करेंगे. एक गुरु मंत्र अच्छे मार्क्स लाने का ये है कि प्लीज
अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज सोची है कि ये करनी है वो तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप हफ्ते में दो दिन हार्डवर्क कर रहे हैं और बाकी के चार दिन कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो दो दिन का हार्डवर्क भी जीरो हो जाता है, ठीक है। सो एक दिन हफ्ते में छुट्टी करो, संडे रिलैक्स करो, ये नहीं कहते कि सारा दिन, क्योंकि इतना टाइम ही प्लस टू में नहीं है कि आप सारा दिन रिलैक्स कर सको। सो थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है, ओके। पर जो भी आप अपना शेड्यूल बनाते हो उस शेड्यूल के साथ आप बिल्कुल मिलके काम करोगे तो सक्सेस 100% आएगी, ठीक है।